और ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं ना, ये वाला ये है शारदा विलेज। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का बाजार है जी। ये बैंक भी है जी। ये हमारी जान नहीं छोड़ रहे। ओए ये बड़े मस्त नजारा होगा जी। ये है जी शारदा गांव की एंट्री। वो रहा सामने पुल और ये नीचे दरिया है नीलम। ये देखें जी ट्रेडिशनल ड्रेस। अभी हम लोग जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी। पहुंच गए हैं हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी और अभी यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल ट्रेंड्स का एक नया एपिसोड और मैं हूं जाहिद अब्बास। आज आपको नाज़रीन जिस गांव की सैर आपको करवाने जा रहे हैं उस गांव का नाम है जी शारदा विलेज, जो कि कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा गांव है और इसका बाज़ार जो है ना सहूलियात के हवाले से काबिल कबूल है। यानी आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा गाइड के शारदा का डिस्टेंस इस्लामाबाद से कितना है और मुजफ़्फ़राबाद से इसका फासला कितना है। मुजफ़्फ़राबाद से शारदा का जो डिस्टेंस है ना वो है 156 किलोमीटर वाए केरन। 156 किलोमीटर आप लोग मुजफ़्फ़राबाद से ट्रैवल करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे शारदा और इस सफ़र में आपको लगेंगे तकरीबन 8 से 9 घंटे। और इस्लामाबाद से शारदा का जो डिस्टेंस है वो है 282 किलोमीटर, जो कि तकरीबन तय होगा तकरीबन 14 घंटे इसको लग जाएंगे आपको तय करने में और आप पहुंच जाएंगे शारदा। वैसे अमूमन जो है ना लोग स्पेशल शारदा आते नहीं हैं, लोग जाते हैं केल केल से, क्योंकि उन्होंने जाना होता है अड़ंग केल ताओबट शाउंटर वगैरह, इसलिए रास्ते में जो आ जाता है शारदा और लोग यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर दरिया का व्यू काफ़ी अच्छा है, पुल काफ़ी खूबसूरत और मज़े का नज़ारा है और कश्तियों पर बैठ के आप दरिया का नज़ारा और अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए शारदा जो है ना टूरिज़म की दुनिया में एक अहम नाम रखता है और काफ़ी लोग शारदा जो है ना विज़िट करते हैं अपने टूर को कंप्लीट करने के लिए। सहूलियात के हवाले से शारदा होटल आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान आपको इजीली मिल जाएगा। और शारदा देखने का जो बेस्ट मौसम है वो है जून जुलाई अगस्त, और अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अब सीज़न हो गया है ऑफ़ और लोग जो है ना क्लोजिंग कर रहे हैं, अपने जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए खाना पीना इकट्ठा कर रहे हैं और चीज़ों को स्टोर करेंगे, क्योंकि फिर सर्दी पड़ेगी तो फिर ये लोग घरों में महफूज हो जाएंगे। तो अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो हम लोग करेंगे शारदा के बाज़ार से, यानी शारदा की सैर जो है ना स्टार्ट हम शारदा के बाज़ार से करेंगे और इंशाल्लाह पूरे शारदा की आपको सैर करवाएंगे। तो देखते रहिए ट्रैवल ट्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शारदा के व्लॉग का स्टार्ट हम लोग करेंगे शारदा के बिल्कुल एंट्री पॉइंट से, यानी बाज़ार से भी पहले। और ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं ना, ये वाला ये है शारदा विलेज। कमरे किराए पर दस्तयाब हैं। ये नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर। बाज़ार से गुज़रते हुए फिर आपको बाज़ार की सहूलियात के बारे में बताता हुआ जाऊंगा। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बाज़ार है जी, हर चीज़ आपको यहां से मिल जाएगी। ये देखें दुकानें, आइसक्रीम वाली दुकान भी है जी, चेक करें। आइसक्रीम लवर परेशान ना हो, उनका पूरा सामान इधर मौजूद है। ये बैंक भी है जी, बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, मतलब पैसे निकलवाने की कोई टेंशन नहीं है। एटीएम लेके आएं और पैसे निकालें और खूब खर्चा करें अगर हैं पैसे तो। होटल ही होटल, रेस्टोरेंट्स, मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी भी खूब पड़ी है हमारे ऊपर। अभी मैं पानी ढूंढ रहा हूँ, मुंह हाथ अभी धोना है,
फ्रेश होना है। नहीं भाई जान, सिगरेट लगा के फूके मार रहे हैं, बाइक को खब्बे सजे नहीं करना। कुरकरे, लेज, शेज, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वो मिलता है खुला। और ये बकरवाल, ये हमारी जान नहीं छोड़ रहे शुरू से ही। ओए होए होए, बड़ा ही जालम बकरा आ गया सर पे ताज पहन के। हाँ ये ओए शारदा बाजार जहाँ पर ख़त्म होता है ना, तो अगर आपको एसकॉम की सिम चाहिए ना, तो एंडिंग के साथ बिल्कुल राइट साइड पे एसकॉम की फ्रेंचाइज है, आपको वहाँ से सिम भी मिल जाएगी। और अब हम जा रहे हैं शारदा गांव की तरफ, उसके लिए ये एक लोहे का पुल है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और ये बड़े मस्त नज़ारा होगा जी। आहा, ये है जी शारदा गांव की एंट्री। इससे पहले जो है ना, मैं इसको बाइक पे भी कवर कर चुका हूँ, अब मैं पैदल हो गया हूँ ताकि मज़ीद अच्छे जो है ना व्यू आपके लिए कैप्चर करूँ। वो रहा सामने पुल, जिस पुल से मैं अभी आपको शॉर्ट्स दिखा रहा था। और ये नीचे दरिया है नीलम, और ये यहाँ पर कश्तियाँ। अभी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि इनके रेट्स क्या हैं। अच्छा ये देखें, ये है बड़ी वाली बोट, इस पे 8 से 10 अफराद जो है ना वो सवार होते हैं। और ये है छोटी वाली, इस पे एक ही बंदा सवार होगा। अच्छा अभी इन बोट्स की मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि इसका रेंट वगैरह कितना है। तो ये जो बड़ी वाली बोट है ना, जिसपे 8 से 10 अफराद बैठते हैं ना, इसकी फ़ीस है 500 रुपया। और ये इधर से स्टार्ट होगी और वो पीछे जहाँ पर रेस्टोरेंट बने हो ना, ये वहाँ तक जाएगी। और जो मैंने सिंगल बोट आपको दिखाई है, उसका है 1000 रुपया एक सवारी का। और फिलहाल जो है ना, ये बोट्स बंद हैं, इस पर दफ़ा लगी हुई है, शायद सेफ्टी की वजह से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है फिल वक्त। अगर ये चल रही होती तो फिर इस पे आपके भाई ने झूला भी लेना था और आपको दरिया का नज़ारा भी करवाना था। ये देखिए जहाँ पर मेरी फिंगर है ना, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये यहाँ से चलेगी और वो एंड तक, ये देखें ये जो होटल नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक जाएगी और फिर वापस आएगी यहाँ पर, और फिर आपको उतरना पड़ेगा आपका 1000 रुपया पूरा। और कश्तियों के अलावा ये प्रॉपर जो है ना एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर दरिया के किनारे चेयर्स लगी हुई हैं, और ये एक लाहौरी डेरा भी है। यहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, चिप्स मिलेगी, समोसे, पकौड़े, हर किस्म की आपको चाय, और अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा जी अब हम लोग एंटर हो रहे हैं गाँव की तरफ। मुझे लगता है आगे कुछ
कोई एक्टिविटी चल रही है स्पोर्ट्स की? वाह, ये है जी गांव के अंदर जो बाजार है ना शारदा का, ये वो है। गोल हो गया जी, गोल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक और बैंक मैंने दिखा दिया आपको। शारदा बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है। ये देखें जी ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ के, अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी, और एंटर होने से पहले चेक पोस्ट पे आपको आईडी कार्ड जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं। और सीढ़ियाँ देखें कितनी हैवी सीढ़ियाँ, पढ़ना किसी ने किया, सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आ जाएगा, तालीम हासिल होगी। अच्छा जी पहुंच गए हैं हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी, और बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये यूनिवर्सिटी किस एंगल से है। बहरहाल है ये यूनिवर्सिटी, और अभी यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। जी शारदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, ये आपने खुद पढ़नी है क्योंकि इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, जिसको समझ लग जाए मुझे भी बता दीजिएगा। अच्छा जी शारदा यूनिवर्सिटी की मैंने आपको सैर तो करवा दी है, लेकिन आपस की बात है इसकी समझ बिल्कुल नहीं आई ये किस एंगल से यूनिवर्सिटी है। और ऊपर भी 8-10 लोग फिर रहे थे,
वो भी कह रहे थे भाई समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है। तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है शायद ये, अपनी जो हालत है ना इसकी, जो पहले हुआ करती थी आज से हज़ारों साल पहले, ये उस हालत में भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इसका यूनिवर्सिटी वाला नक्शा बिल्कुल गायब हो गया हुआ है। लेकिन फिर भी हमने आपको जो है ना इसकी हिस्ट्री भी दिखा दी है और यूनिवर्सिटी भी आपको दिखा दी है। ये देखें जी, ये है शारदा की होटल साइड। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, होटल्स भी बने हुए हैं, आप लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा शारदा गांव के अंदर, जो इनका बाज़ार बना हुआ है ना, उसमें भी होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप यहाँ पर खाना पीना इजीली कर सकते हैं, रिहाइश कर सकते हैं। जी तो शारदा की आपने कर लिया सैर, मैंने आपको शारदा बाज़ार से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपको इसका विज़िट करवा दिया है। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, दरिया का व्यू यहाँ से बहुत प्यारा है, क्योंकि दरिया की चौड़ाई जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और कश्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें आप लोग बैठ के दरिया की सैर कर सकते हैं। और फिल वक्त जो है ना कश्तियाँ उन्होंने बंद की हुई हैं, कोई पाबंदी लगी हुई है, दफ़ा पता नहीं 144 या 42 क्या होती है वो लगी हुई है, शायद कोई सेफ्टी की वजह से है मसला यहाँ पर, कि सेफ्टी जो है ना चीज़ें जैकेट वगैरह लाइफ जैकेट वो पहनेंगे तो फिर जो है ना परमिशन मिलेगी इसके चलाने की, कोई मसला चल रहा है। और रेट शेट मैंने इसको बता दिए हैं कश्तियों के। दूसरा ये है कि होटल आपको यहाँ पर सुकून से मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाना पीना आप लोग करें, होटल नॉर्मल रेट्स पे हैं। सीज़न में अगर आप आएंगे तो 4-5 हज़ार का आपका रूम अच्छा वाला मिल जाएगा। अभी हमें 1000 पे भी ऑफ़र हो रही है कि आ जाओ कमरा ले लो, 1000 रुपया दे देना। तो क्योंकि अभी सितंबर का महीना है, सीज़न आउट हो चुका है, और इसलिए रूम रेंट जो है ना काफ़ी नीचे आ गए हैं। बाकी दरिया के अलावा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है हिस्टोरिकल, शारदा यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, वो मैंने आपको दिखाई है। उसकी मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो किस एंगल से यूनिवर्सिटी है, शायद वो एक दौर में अच्छी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अब उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो अगर आपको उसकी समझ आए तो मुझे भी बता दीजिएगा। और उसकी हिस्ट्री जो है ना, उसका भी मैंने एक पेपर लगा हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया, वो आप खुद ही पढ़ लेना। और एंड पे ये है कि आपको शारदा का ये व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने लाजमी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है ताकि थोड़े बहुत पैसे मुझे भी आ जाएं और मैं मज़ीद फिरता रहूं और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता रहूं। अभी वक्त हुआ है इजाज़त चाहने का, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।